चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, स्टूडेंट के पास काफ़ी सारे फेक कॉल्स भी आ रहे हैं, यहां तक कि काफ़ी सारे फेक अलॉटमेंट लेटर भी स्टूडेंट को दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार का मैटर NMC ने भी हाईलाइट किया है। उसने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है जिसमें एक फेक अलॉटमेंट लेटर का जिक्र किया है कि ये अलॉटमेंट लेटर फेक है और NMC ने इस प्रकार का कोई अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं किया है, ये भी कहा गया है। तो आप ये जो लेटर देख रहे हैं ये बिल्कुल फेक अलॉटमेंट लेटर है। मैंने पहले भी वीडियो बनाकर बताया था कि इंडिया में MBBS BDS एडमिशन के लिए काउंसलिंग अथॉरिटी द्वारा ही एडमिशन करवाया जाता है और कोई इस प्रकार की अथॉरिटी नहीं है कि आपको कहीं भी डायरेक्ट एडमिशन करवा दे। सेंट्रल पूल कोटा की काउंसलिंग भी कंसर्न्ड मिनिस्ट्री द्वारा करवाई जाती है, जैसे डिफेंस की काउंसलिंग केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटरीट द्वारा की जाती है और पैरामिलिट्री की काउंसलिंग होम मिनिस्ट्री द्वारा की जाती है और बाकी जो डिपार्टमेंट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्ट्री द्वारा काउंसलिंग करवा जाती है सेंट्रल पूल कोटा की। तो इसमें आपको बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, इन सभी फेक अलॉटमेंट लेटर पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग होगी वो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट से सेंट्रल पूल कोटा के लिए और बाकी MBBS BDS में जो सेंटर की काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया कोटा की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, इसके अलावा BHU AMU डिम्ड की, ESIC की, ये सारी MCC द्वारा होगी और स्टेट की स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी द्वारा होगी। तो ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। बाकी समय समय पर हम वीडियो बना देते हैं कौन से स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, कौन से स्टेट का अभी रजिस्ट्रेशन होना है। तो हमारे वीडियो के टच में रहें, मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।